तो आज हम आ गए राधेश्याम भाटिया पनीर वाले पे और इनके यहाँ पे आज लगेगा पनीर टिक्का जो कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो सर का नाम बता दीजिए। गुलशन भाटिया सर। तो सर कितना टाइम हो गया शॉप? शॉप को तो लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे हमारी पनीर की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, एकदम सलीके से पनीर काटा जा रहा है। तो आप देख सकते हो एकदम वेट करके पनीर की कटिंग की जाती है। तो कितना पनीर डालते हैं? 150 ग्राम। 150 ग्राम, हाँ जी। तो एकदम फ्रेश पनीर की यहाँ पे कटिंग चल रही है और वेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पनीर काटा जाता है। तो हमारे पनीर टिक्का के लिए यहाँ पे पनीर आ चुका है, तो अब इसकी यहाँ पे मैरिनेशन की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पनीर टिक्का लगने जा रहा है। तो सबसे पहले पनीर यहाँ पे आ चुका है और सीख में सबसे पहले टमाटर लगा दिया है, शिमला मिर्च लगा दी, और अब अच्छे से पनीर को मैरिनेटेड मसाले में मिक्स करके सीख पे लगाया जाएगा। टोटल 7 पीस रहते हैं इसमें और लास्ट में लगेगा प्याज। तो ये हमारा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है, तो अब इसको तंदूर में सेका जाएगा। जी, मैं मानता हूँ कि पनीर स्टार्ट करने वाले फादर और हमारे नाना जी है, और पनीर टिक्के को स्टार्ट हुए लगभग 16-17 साल हुए। कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो उनकी मेहनत है बस उसी को हम अभी तक फलीभूत कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे। तो जब पनीर हमारे पास खुद का प्योर था, तो थोड़ी रेसिपी बना करके पनीर टिक्का स्टार्ट किया लाइव तंदूर फर्स्ट टाइम जयपुर में। 20 रुपये से स्टार्ट किया था पनीर टिक्का। तो आप देखते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर टिक्का सेके जा रहे हैं, बहुत ही यहाँ पे लोग पसंद करते हैं, फटाफट यहाँ पे ऑर्डर लगते रहते हैं। तो भैया पूरा दिन ऐसे काम चलता है यहाँ पे? हाँ, शनिवार संडे अधिकतर ऐसे चलता है। और ये पूरा भर भर के यहाँ पे पनीर टिक्का लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा रश कितने बजे होता है? वो शाम को 4-5 बजे के बाद रहता है, 8 बजे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। ऐसे तो दिन भर चलते रहता है। तो अभी इसको अच्छे से सेका जा रहा है, कितना टाइम लगता है उसको बनने में? कम से कम 5 मिनट सेकने में लगता है। 5 मिनट सेकने में लगते हैं? हाँ, 5 मिनट पनीर टिक्का को 5 मिनट, 4-5 मिनट चाप को लगता है सेकने में। तो एकदम बढ़िया मैरिनेशन के साथ आप देख सकते हो हमारा पनीर टिक्का सेका जा रहा है, ऊपर से डाला जा रहा है बटर। तो 5 से 7 मिनट इसको बनने में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर पनीर टिक्का की कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसमें मसाले डालने जा रहे हैं। कौन कौन से मसाले भैया? चाट मसाला है, तो हमारा यहाँ पे पनीर टिक्का लग के रेडी हो चुका है। तो फाइनली जयपुर के फेमस राधेश्याम भाटिया का पनीर टिक्का यहाँ पे लग चुका है। तो ये है इनका बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्का जो कि जयपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो 100 पीस की प्लेट रहती है जिसमें कि आपको 8 पीस पनीर के मिल जाएंगे, साथ में थोड़ा सा सैलेड मिल जाएगा, ग्रीन चटनी मिल जाएगी, और ये है दही वाली चटनी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मैरिनेशन की हुई है इन्होंने। इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी ग्रीन चटनी सर। तो आप जब भी पनीर टिक्का खाते हो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी पनीर की क्वालिटी। तो जो इनकी पनीर की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, बहुत सॉफ्ट है। जो इन्होंने मैरिनेशन की है, काफ़ी अच्छे मसाले यूज़ किए हैं, अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, और सबसे खास बात है इनकी ग्रीन चटनी में जो कि इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 10 बजे से 10 बजे तक रहता है यहाँ पे, जो मेन शॉप है, और हमारा रेस्टोरेंट है 4 दुकान आगे रिलायंस फ्रेश के नीचे, वहाँ 11:30 तक रहता है। तो वहाँ बैठने की थोड़ी व्यवस्था है। कितने दिन ओपन रहती है? नहीं, 365 दिन ओपन है। हाँ, कभी भी आएँ सर। और एड्रेस बता दीजिए किसको यहाँ पे आना? दुकान नंबर 70 रमान ढाबे के पास, और दुकान नंबर 61 रिलायंस फ्रेश के नीचे, लैंडमार्क राधेश्याम भाटिया पनीर वाले। तो अगर आप भी बढ़िया सा पनीर टिक्का खाना चाहते हो, एकदम चटपटा सा जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर दो, तो आप यहाँ पे आके इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है। 100 पीस की प्लेट है जिसमें आपको 8 पीस मिल जाएंगे, और जयपुर के लोग तो उसके दीवाने हैं, तो मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।